हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन प्रताप। मेरे पास है कि देखिए जियो F2W1SK के हैंडसेट है दोस्तों। उसके जो प्रॉब्लम देखिए, अभी मैंने सिम को डालता हूँ, तो सिम डालने के बाद देखिए दोस्तों, अभी मैं बैटरी को एंट्री कर फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे उसकी जो मैंने उसके बोर्ड को उठाया था तो थोड़ा शॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं। मैंने आपको तो देखिए दोस्तों, अब मैंने उसको स्विच ऑन कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन अभी स्विच ऑन हो रहा है, और यहाँ पर आपके जो सिम था वो भी मैंने उसको भी डाला, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस पर जो प्रॉब्लम है आपको मैं बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा उसको प्रॉब्लम जानने के लिए। ये देखिए उसकी फ़ोन भी स्टार्टअप ले रहा है, ये देखिए। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नया को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे देखिए दोस्तों। सब्सक्राइब होने पर मुझे नए नया वीडियो शेयर करूँगा तो आपके डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरा जियो फ़ोन 211 की हैंडसेट है, और इसमें दोस्तों देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको डिटेल्स में शो करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी इंसर्ट सिम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्रॉस का मतलब आपके फ़ोन इंसर्ट सिम आ रहा है, तो उसका जो प्रॉब्लम इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम है मैं आपको डिटेल्स में बता दूं। कि उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी दे। तो ये दोस्तों देखिए, ये जो मेरा जो सिम है ये तो 100% सही है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है अलग जगह टाइप का है, मैं आपको डिटेल्स में शो करूँगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पूरे जूम कर लेती हूँ आपको जानने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने जूम भी कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके जो पहला वाला जो ट्रैक है, सॉरी दोस्तों मैं आपको टूजर पे बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ से उसकी जो स्टील बार था मैंने उसको रिमूव कर लिया, और रिमूव करने के बाद ये देखो, ये जो टीपी पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, ये जो टीपी पॉइंट है 1 2 3 4, तो आपको यहाँ से ये जो 1 से लेकर ये जो 1 वाला पी है, पिन है, उससे यहाँ से जंपर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जंपर देना है, उसके बाद आपकी सिम काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने उसको जंपर दे रहा हूँ,
तो दोस्तों देखिए ये जो टीपी पॉइंट है जो टीपी पॉइंट है 1 2 3 4 तो ये जो पहला वाला है मैंने उस पर जंपर लिया। देखिए यहाँ तक ठीक दोस्तों उस पर जंपर लिया यहाँ तक ठीक दोस्तों। आप देखिए इस पर जो टीपी पॉइंट है 1 2 3 4 तो पहला वाला टीपी पॉइंट से मैंने जंपर लिया ये जो सिम ट्रैक की पहला वाले को सिम कनेक्टेड ठीक दोस्तों। तो उसके बाद देखिए मैंने अभी उसको सिम को डालता हूँ ये देखिए। तो मैंने अभी सिम को डाला तो उसके पास बैटरी को भी यहाँ पर सेट किया और उसके बाद देखिए तो उसको देखिए आपके ये फोन दोस्तों मेरा बैटरी थोड़ा शायद रिमूव हो गया उसको मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ी जियो सिम ये जियो फोन थोड़ा स्विच ऑन होने से टाइम लगता है तो कोई भी नहीं हमको फिर वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी देखिए दोस्तों सब्सक्राइब होने पर मैं जब नया नया वीडियो शेयर करूँगा तो आपकी डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए अब उसके बाद आपके फोन स्टार्टअप लेगा तो देखिए थोड़ा स्टार्टअप में प्रॉब्लम हो रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिटेल्स में भी शो करता हूँ जो एयर है उस थोड़ा शॉर्ट हो गया तो उसको यहाँ पर सीधे रखना है और सीधे रखने से बाद ये देखिए ये है उसके जंपर तो आपको फोन को यहाँ पर फिट कर देना है। फिर करने बात
ऑन करना है मोबाइल को। तो देखिए मोबाइल ऑन हो गया। तो साउंड पे आ गया। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके नेटवर्क आ गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क है बताइए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जियो 4G शो कर रहा है। तो उसके बाद देखिए मैंने बैटरी को निकालता हूँ और बोइंग पे जो भी आपकी जो जम्पर था देखिए बोइंग जम्पर भी मैंने दे दिया। और उसके बाद देखिए मैंने मोबाइल को फिट कर लिया हूँ। तो उसके बाद मेरा थोड़ा जम्पर टूट गई थी तो इसलिए मेरा सिम पहले नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने अच्छे से उसको जम्पर दे दिया तो उसके नेटवर्क ठीक से आ गया। ठीक दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और के लाइक भी दे दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब होने के बाद जब नया नया वीडियो बनाऊंगा तो उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देख चलते हैं अभी नेटवर्क पर। ये देखिए उसकी साउंड भी आ गई। ये देखिए उसकी नेटवर्क भी आ गया। ठीक दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए।